लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने कर दिया कुछ ऐसा जिससे भाजपा भी रह गई दंग। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। आपको बता दें कि यह सीट एक जनरल सीट है और कुलदीप कुमार SC समाज से आते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह पहली बार हो रहा है कि जनरल सीट से किसी SC कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को सच करने जैसा है। कुलदीप कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं और वो सफाई कर्मचारी के बेटे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कुलदीप कुमार कौंडली विधानसभा से MLA भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन पर विश्वास जताते हुए लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। कुलदीप कुमार शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको जनरल सीट से अपने पार्टी का टिकट दिया है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में जुड़ने के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 7 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, जिसमें से एक सीट अरविंद केजरीवाल ने कुलदीप कुमार को दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को सच करने की बात कहीं न कहीं कुलदीप कुमार को टिकट देने से कर दी है। अब ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कितने लोकसभा सीटों पर अपनी जीत कायम कर पाती है और इंडिया अलायंस में आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल 2014 और 2019 में भाजपा ने दिल्ली के 7 सीटों पर अपना कब्जा किया था। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट। नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज की टिकट अनाउंस की है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जी को लड़ा रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा जी हैं, साउथ दिल्ली से सही राम जी हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी हैं और दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार उर्फ मोनू को टिकट दिया जा रहा है। ये जो आखिरी टिकट है ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। ईस्ट दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है और कुलदीप कुमार SC समाज से आते हैं। अभी तक कोई भी पार्टी SC समाज के व्यक्ति को जनरल कैटेगरी की सीट से नहीं लड़ाती, SC समाज के व्यक्ति को केवल रिजर्व कैटेगरी की सीट से लड़ाया जाता है। आम आदमी पार्टी जात पात में बिलीव नहीं करती। आम आदमी पार्टी मानती है कि सब लोग बराबर हैं, अगर कोई काबिल है तो वो चाहे उसको उस सीट से लड़ाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है, पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने मोहाली जनरल कैटेगरी की सीट थी, हमने कुलवंत सिंह को लड़ाया था जो कि SC समाज से थे। हमने ना केवल उनको टिकट दी थी, उनको हमने ना केवल लड़ाया था, वहाँ की जनता ने उनको जिताया भी था। कुलवंत सिंह इस टाइम मोहाली के MLA हैं। इस बार भी हम ईस्ट दिल्ली जो कि जनरल कैटेगरी की सीट है वहाँ से कुलदीप कुमार यानी मोनू को लड़ा रहे हैं। मोनू एक सफाई कर्मचारी का बेटा है, गरीब परिवार से आता है और इसके पहले काउंसलर था और ईस्ट दिल्ली से वो जब तीनों नगर निगम अलग अलग थे वहाँ से वो लीडर ऑफ अपोजिशन था। बहुत ही समाज के लिए काम करने वाला लड़का है और रात दिन रात को 12 बजे भी फ़ोन करो तो आपके घर पहुँच जाएगा आपका काम करने के लिए। उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने उसके, ना केवल कोंडली विधानसभा का भी प्रेजेंट MLA है, ना केवल अपनी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं में भी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमने ये जो कदम उठाया है कि हम एक जनरल कैटेगरी की सीट से SC समाज के लड़के को लड़ा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस कदम का स्वागत करेंगे, सब लोग हमें आशीर्वाद देंगे और सभी समाज के लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो भारी भरकम जीतेंगे। नमस्कार।